बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग हमले में घायल भी हो चुके हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की अलग अलग टीमें जुटी हुई हैं, लेकिन दो आदमखोर अब भी पकड़ से दूर हैं। बहराइच में आदमखोर भेड़िये का खौफ बरकरार है। सिकंदरपुर गांव में भेड़ियों से बचने के लिए लाठी टॉर्च के साथ रात भर पहरेदारी लोग कर रहे हैं। गांव में देसी जुगाड़ से बंदूक बनाकर उसमें बारूद भरकर धमाका हो रहा है, ताकि आदमखोर भेड़िया गांव के आसपास भी ना भटक पाए। तो वहीं ग्राम प्रधान गाड़ी में लाउड स्पीकर लगाकर गाँव वालों को सतर्क रहने और घर का दरवाजा बंद रखने की अपील कर रहे हैं। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। गन्ने के खेत में भेड़िये की तलाश लगातार जारी है। देसी बंदूक और बारूद से सुरक्षा की जा रही है, देसी जुगाड़ किया जा रहा है, ताकि भेड़िये से बचा जा सके। और तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट भी हो रही है, ताकि गांव वाले सतर्क रहे, क्योंकि इस आदमखोर भेड़िये की 50 गांव में दहशत है। बहराइच में भेड़ियों का खौफ और सिकंदरपुर गांव के लोग भी इसी तरह के खौफ में हैं। और ये खेत की मेड़ पर देखिए, ये गन्ने का खेत है। टॉर्च जला करके खेतों पर निगरानी गांव के लोग कर रहे हैं और मेड़ पर गांव के कई लोग पहुंचे हुए हैं और लगातार वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कहीं इनके खेतों में इस तरह से वो भेड़िया आकर छिपा तो नहीं है, जो गाँव वालों पर हमला कर रहा है, जो रिहायशी इलाकों में दाखिल हो जा रहा है। और उसके लिए इंतजाम खुद गाँव वालों ने अपनी सुरक्षा का अपने हाथों में ले लिया है। और इसी खेत की मेड़ पर हम देखते हैं कि गांव के कुछ लोग हाथों में टॉर्च लिए दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ आसपास इस तरीके से भी कुछ एक देसी व्यवस्था करके रखे हुए हैं। ये जो है, इसमें आपने क्या बारूद डाला हुआ है? जी सर। और ताकि इसकी आवाज से जो है वो जानवर भाग सके। तो इसको कैसे चलाते हैं आप? तो सुना आपने, ये है वो धमाका जिसके डर से भेड़िए यहाँ से भाग जाए और गाँव वाले सुरक्षित रहे, और गांव के लोग इसी व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो आप गांव वाले जो है, आप गांव के प्रधान है क्या? क्या नाम है आपका? सेवाकांत शुक्ला नाम है, गांव का प्रधान हूं सिकंदरपुर का। ये जब से हमला हो रहा है, आपके भी गांव में देखा गया है भेड़ियों का आना? मेरे गांव में एक खतरा कर चुका है, एक बच्चे को खा चुका है वो। जब से खा चुका उसके बाद से हम और हमारे क्षेत्र के विधायक जी लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं। पूरी रात हम लोग जगते हैं, पूरी रात अपने गाँव वालों की सुरक्षा के लिए। पूरी सुरक्षा का जुम्मा हमारे विधायक जी ने और हम लोगों ने ले रखा है। और ये गांव के लोग जो है, ये टॉर्च हाथ में लिए हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और सारे के सारे कोई लाठी लेकर के घूम रहा है, कुछ अपनी गाड़ियां लेकर के आसपास रिहायशी इलाकों में इसी तरह से पहरेदारी कर रहे हैं। बहराइच में प्रशासन ने 4 भेड़ियों को पकड़ लिया है, लेकिन अब भी 50 गांव के लोग खौफ में जी रहे हैं। अभी 2 और भेड़ियों को पकड़ा जाना बाकी है। बहराइच के गांव में आलम यह है कि ज्यादातर परिवारों का एक न एक सदस्य रात के समय जागकर अपना समय बिता रहा है। वन विभाग की टीम के साथ ही गांव के लोग हाथ में लाठी और राइफल लेकर रात भर पहरा देते हैं। तो वहीं ड्रोन कैमरों से भी निगरानी हो रही है। बहराइच में अब तक 10 लोगों को अपना शिकार बना चुके आदमखोर भेड़ियों की दहशत ऐसी है कि लोगों के रातों की नींद और दिन का चैन दोनों ही उड़ चुका है। आदमखोरों को पकड़ने के लिए प्रशासन की मुस्तैदी नाकाफी साबित हो रही है। इस वक्त बहराइच के कई गांवों में इसी तरह से हाल है। आधी रात हो चुकी है, ऐसे में जबकि गांव वालों को चैन की नींद सोनी थी, लेकिन अपने परिवार की हिफाजत के लिए अब वो खेत खलियानों में इस तरह से लाठी लेकर के टॉर्च लेकर के भटकते दिखाई दे रहे हैं। गन्ने के खेत में अभी भी हम देख सकते हैं गांव के कई लोग यहां घूम रहे हैं। हाथों में इनके वो धमाका करने वाला देसी हथियार भी है, जिससे आतिशबाजी की जा रही है, ताकि यहां से वो भाग सके। ये कुछ इस तरह से हल्ला भी करते सुनाई दे रहे हैं। दरअसल माना यह जाता है कि भेड़िया इस तरह से अगर कहीं भी हल्ला हो रहा हो तो वो डर में आता है और दहशत में भागता है। और अब आधी रात को भी अपने परिवार वालों की हिफाजत के लिए अब ये गांव वाले इसी तरह से खेत के किनारे किनारे मेड़ पर लाठी डंडों के साथ टॉर्च के साथ अपने परिवार की गांव की हिफाजत करने के लिए निकल पड़े हैं। अपने वीडियो जर्नलिस्ट साथी विकास ठाकुर के साथ मैं प्रशांत चुरहे, न्यूज 18 इंडिया, सिकंदरपुर बहराइच।